वहाँ पे गिरा है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे जान दो। अब भूल जाओ। ओवरटेक करके जा रही है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। इसमें हैंड डाला जाता है, मतलब हाथ अपना घुसाइए। वाओ। नहीं, अमन बाबू पहली बार यहाँ का ट्राई करेंगे और हम तो ऑलरेडी ट्राई करके कैसा है? अब देखने वाली बात है यहाँ पे ओवरटेक करेगी या नवसारी के आगे। चादर का प्राइस बताया जाएगा 350 रुपया। हाजी, क्या हाल चाल है आप सभी के? स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। सो अभी फिलहाल हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं और आज हम लोग की रेल यात्रा होने वाली है सिकंदराबाद राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है। मंडे को, ट्यूसडे को, सैटरडे को ये ट्रेन निकलती है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दोपहर के 3:10 पर, और आपको अगले दिन शाम में 5:50 पर राजकोट रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और इस ट्रेन में आज हम लोग की रेल यात्रा होने वाली है स्लीपर कोच में। चलिए मैं आपको कोच दिखाता हूँ, फिर सीट दिखाता हूँ। और ये रहा अपना सीट 48 अपर, और एक ये 42 मिडिल। ये देखिए स्टेशन पर यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है, 50 रुपया में आप बीपी टेस्ट कर सकते हैं, फैट परसेंटेज आपको बता दिया जाएगा, बीएमआई बता दिया जाएगा। इसमें हैंड डाला जाता है, मतलब हाथ अपना घुसाइए ऐसे सुपरमैन की तरह, और ये पैर देखिए इस यहाँ पे पैर रखिए, सारा रिपोर्ट आपके सामने सिर्फ 50 रुपया में। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल राइट टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो 114 किलोमीटर की रेल यात्रा करने के बाद अब हम लोग की सिकंदराबाद राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है तांदूर रेलवे स्टेशन, जो कि तेलंगाना के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 1 मिनट का। मैं टाइमिंग की बात करूं ना, देखिए हॉकिंग हो गया, सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट था। यहाँ पे 4:49 पे इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है, और आज हम लोग यहाँ ट्रेन पहुँची है 10 मिनट डिले अपने टाइम से। Thank you.
ओनियन है ना, आलू नहीं ना। तो भाई यहाँ से अभी हम लोग ले रहे हैं ओनियन समोसा, शाम का टाइम है, देख रहे हैं बजने वाला मतलब 5:45 में, तो 20 का 6 ओनियन समोसा मिल रहा है। समोसा 20 का 6 समोसा। अमन को पहली बार ओनियन समोसा खिलाने वाले हैं। अमन तो इधर का ओनियन समोसा खाया है? नहीं खाए कभी। चलो खिलाते हैं, 20 का 6 पीस अभी हम लिए हैं। देखते हैं। जब भी भैया हमको ओनियन समोसा खिलाए हैं तब भी इसके अंदर से आलू निकला है, ठीक है? ओनियन समोसा बोल के आलू समोसा खिला दिया गया है, इसमें ओनियन तो है ही नहीं। हो गया भैया का साथ? कोई नहीं। अभी हम लोग चीतापुर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी सिकंदराबाद राजकोट सुपरफास्ट का हॉल्ट था 2 मिनट का। और देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी यहाँ पे। ओनियन समोसा तो लिए भाई, लेकिन ओनियन समोसा में ओनियन था ही नहीं, ठग लिया गया, स्कैम हो गया, स्कैम। तो 184 किलोमीटर की रेल यात्रा करने के बाद अब हम लोग की सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है कर्नाटका के वाड़ी जंक्शन पे। इससे पहले हम लोग की ट्रेन तेलंगाना में चल रही थी, अब हम लोग आ चुके हैं कर्नाटका में। और कर्नाटका के कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में आता है वाड़ी रेलवे स्टेशन और ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। वैसे अगर मैं इस ट्रेन की यहाँ पे पहुँचने की बात करूँ तो शाम के 6:15 पर ये ट्रेन यहाँ पे पहुँचती है और 5 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन आज हम लोग की ये ट्रेन यहाँ पहुँची है 10 मिनट डिले। वैसे वड़ी जो है ये जाना जाता है लाइमस्टोन माइंस के लिए और ख़ास तौर पे यहाँ पे एसीसी का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट यहीं पे है। आपको देख रहे हैं इडली वड़ा, ये वड़ा पाव मिल जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको इस रेलवे स्टेशन पे खाने को मिल जाएगा। स्टॉल वगैरह भी यहाँ पे है, चाय कॉफ़ी वगैरह बिस्किट वगैरह ले सकते हैं, मतलब खाने का ऑप्शन यहाँ पर है। वाड़ी जंक्शन पे 5 मिनट के हॉल्ट पे ट्रेन के मैनेजर और लोको पायलट दोनों यहाँ पे चेंज हुए हैं। भाई साहब सनसेट देखिए, इतना शानदार सनसेट हो रहा है। वाओ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है कर्नाटका के कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पे, जहां पे इस ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पे राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 7:05 और हम लोग की ट्रेन फिर से यहाँ पे पहुंची है 10 मिनट डिले। वैसे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग की ट्रेन आई है,
वैसे अपनी सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो टोटल 1470 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस ट्रेन को 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 26 घंटा 40 मिनट का। अगर मैं टोटल हॉल्ट की बात करूँ तो इस ट्रेन का टोटल हॉल्ट है 27। अच्छा, एक टास्क है आप सभी के लिए, पहले कलबुर्गी किस नाम से जाना जाता था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आज ट्रेन में ट्रैवल करते हैं सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन में, तो इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है, ना ही साइड पेंट्री है, तो खाना वगैरह खुद से कैरी कीजिएगा। ये तो आप स्टेशन पे भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप स्टेशन का खाना परचेज करें, घर से ही लेके आए। अब क्या कि मेरा तो घर था नहीं सिकंदराबाद में, हम लोग सिकंदराबाद में ही लंच कर लिए थे, थोड़ा हैवी कर लिए थे, ताकि रात में मुझे पता था कि भाई पेंट्री है नहीं, ना ही साइड पेंट्री है, तो खाना न खाना पड़े, इसलिए हमने सोचा कि आपको भी अपडेट कर दे। वैसे खाने का कुछ इच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हैवी लंच कर लिए थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें आप ट्रैवल करते हैं तो खाना वगैरह लेकर ही चलिएगा। वैसे जो भी अभी वेंडर बेच रहा है ना, ये सब अनऑथराइज वेंडर है, अभी से स्टेशन पर चढ़े अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, वो चाय कॉफ़ी वगैरह बेच रहे, लेकिन खाने का ऑर्डर अभी तक नहीं लिया गया है इस ट्रेन में। देखते हैं अब उतरते हैं सोलापुर में, होगा तो जूस वूस पियेंगे। जूस क्या पियेंगे, मतलब कहने का सोलापुर का फेमस पता ही एक चादर और दूसरा वहाँ का आइसक्रीम, तो चादर तो अभी नहीं लेंगे क्योंकि भाई ठंडा का मौसम नहीं है, लेकिन आइसक्रीम अगर मौका मिला तो सोलापुर का फेमस आइसक्रीम जरूर खाएंगे, जो कि सिर्फ आपको रेलवे स्टेशन पर ही देखने को मिलेगा। वेट करते हैं सोलापुर का, तब तक अभी ऊपर वाली सीट पर आ गए हैं, नीचे जो है ना आरएसी सीट लगा हुआ है, स्लीपर के हर कोच में आरएसी सीट लगा हुआ है, तभी ऊपर आ गए, ऊपर बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या है, डीप टी है क्या? डीप चाय ब्रू कॉफी। हाँ, डीप चाय ब्रू कॉफी। नहीं नहीं नहीं, और कितने दो भाई, चाय कॉफी वगैरह मिल रहा है इस ट्रेन में, बिस्किट लेस चिप्स कुरकुरे सब मिल रहा है, लेकिन चाय तो हम पीते नहीं है, चाय छोड़ दिए, आज से एक साल पहले पीते थे और आपको भी दिखाते थे कि नहीं पीते। हाँ भाई, प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो क्या, अगर उसमें मिल जाता है तो वो भी पैकेट वाला चाय पीते हैं, डीप टी नहीं, पैकेट वाला आता है ना जो पहले से ही बना रहता है मसाला चाय, वो पीते हैं। किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब हम लोग सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन पे, जहां पे इस ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे सोलापुर रेलवे स्टेशन पे अपनी राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है और रात के 9 बजे, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहां पहुंच चुकी है 20 मिनट बिफोर। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है सोलापुर, और सोलापुर आते हैं तो यहां का भाई कुल्फी तो वही आइसक्रीम जो है वो जरूर ट्राई कीजिएगा, और सोलापुर तो अपना भाई सोलापुरी चादर के लिए फेमस है, हमने आपको पहले ही बताया। वैसे चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन की कुछ कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 2 जनरल कोच के साथ, इसमें 10 स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 3rd AC का 5 कोच है, 2nd AC का सिर्फ 2 कोच है, पेंट्री वेंट्री कुछ नहीं लगा हुआ है। और मैं फेयर की बात करूँ, अगर आज में ट्रैवल करते हैं सिकंदराबाद से राजकोट में स्लीपर क्लास में से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 600 रुपया, वही अगर आप 3rd AC में ट्रैवल कीजिए उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1600, और 2nd AC का फेयर है 2300 रुपया। तो देखिए हम लोग तो खाना खाएंगे नहीं, लंच कर लिए थे आपको पहले ही बताया, हैवी कर लिए थे, डिनर करना है नहीं, थोड़ा बहुत देखते हैं यहाँ पे
आइसक्रीम जो है ना सोलापुर का कुल्फी वो ट्राई कर लेते हैं। वैसे सोलापुर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन जो है वो 1 किलोमीटर प्लेटफॉर्म पे आई है और देखिए यहाँ पे खाने पीने का ढेर सारा स्टॉल आपको देखने को मिल जाएगा। सोपन रेस्टोरेंट है यहाँ पे 24 आवर ओपन है और यहाँ पे IRCTC का जन आहार ये देखिए ये है, यहाँ पे भी आप खाना वगैरह ले सकते हैं। सोलापुर का फेमस कुल्फी हम लोगों ने ले लिया, ये 20 का बड़ा 20 का एक है, 20 का दो नहीं है। एक तो अमन बाबू के लिए, अमन बाबू पहली बार यहाँ का ट्राई करेंगे और हम तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। लीजिए भाई साहब खाइए और देखिए कैसा है यहाँ का। वैसे हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ऐसे किया जाता है अनबॉक्स मावा कुल्फी, सोलापुर का फेमस सोलापुरी चादर बेचा जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन पे इस तरह का बहुत सारा स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पे आपको सोलापुरी चादर मिल जाएगा, सोलापुरी चादर गमछा वगैरह मिल जाएगा। 350 का, 350 350। वैसे आपको चादर का प्राइस बताया जाएगा 350 रुपया, लेकिन 300 में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बार्गेनिंग कीजिएगा, 300 में आपको चादर मिलेगा। चादर का क्वालिटी भी होता है भाई साहब। भाई यहाँ से हम लोगों ने ले लिया ये बटर मिल, ये 40 का है, ये देखिए बोतल में मिला है। ताक ब्रांड का नाम है, ताक देखते ट्राई करके कैसा है। सही है, बढ़िया, ट्राई कर सकते हैं आप। ओहो उधर वहाँ पे गिरा है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे अब भूल जाओ, अब भूल जाओ, भूल जाओ, चप्पल गया। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 9:20, तो चलिए अब सोते हैं, बेडशीट तो लग गया है। आपसे मिलते हैं सुबह में, सुबह में ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अमन को आ रहा है नींद, बोला है भैया थक गए थोड़ा सोते हैं। हम लोग चलो भाई तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं, सुबह से कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। अब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। द नेक्स्ट मॉर्निंग,
ये आ गई महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए कितनी खतरनाक बारिश हो रही है भाई साहब। गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पे, जो कि आता है वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। वैसे यहां पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:42 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 5 मिनट डिले। और भाई साहब लगा जब से महाराष्ट्र में एंट्री किए हैं तब से लगातार एंट्री हो रहा है, अब तो गुजरात में आ गए हैं। इधर भी बारिश हो ही रही है, मौसम बहुत मस्त है इधर का। और इस मानसून में भाई पहली बार इधर आए हैं महाराष्ट्र की तरफ। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है अगस्त क्रांति राजधानी। उतर के गया क्या? इधर आ तो, इधर आ ना, इधर आ ना। अपने ही कोच में चैन पुलिंग हो गया है, कोई चैन पुल किया है, गलती से किया है, क्या किया है पता नहीं भाई, किसने किया चैन पुलिंग। यही कोच में मतलब S8 कोच में ही चैन पुलिंग हुआ, पता नहीं चल रहा है कि किसने चैन पुलिंग किया। वैसे कोई उतरा नहीं है, इतनी तेज़ रफ्तार में ट्रेन थी कि ना, मुझे लगता है गलती से कोई पैसेंजर, अभी सब सोए हुए थे ना, तो गलती से कोई पैसेंजर लगता है पकड़ के खींच दिए होंगे या खिंचा गया होगा। जैसे भी हो कोई बदमाशी से भी कर सकता है, कहाँ नहीं जा सकता भाई साहब।
फिलहाल हम लोग की ट्रेन विदिशा रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और यहाँ पे मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हम लोग की ट्रेन को ओवरटेक करके जाने वाले, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक शानदार सा ओवरटेक। अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात के नवसारी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन रुकेगी और जस्ट अपनी ट्रेन के पीछे मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है, वो भी अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है। अब देखने वाली बात है यहाँ पे ओवरटेक करेगी या नवसारी के आगे करेगी। अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन को उधना जंक्शन पे रोका गया है। उधना जंक्शन पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। क्यों रोका गया पता है? हमने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे ओवरटेक करके जाने वाली है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन हम लोग की ट्रेन को। चलिए मैं आपको दिखा दूँ एक शानदार सा ओवरटेक। ये देखिए अहमदाबाद मुंबई IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। और इधर से ओवरटेक करके जा रही है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। एक क्रॉसिंग और एक ओवरटेक, मजा आ गया। और सामने में लगी हुई है ताप्ती गंगा। उदयपुर पैलेस क्वीन हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन। पंचानवे किलोमीटर की रेल यात्रा करने के बाद फाइनली हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन का सूरत रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है 9:35 और हम लोग जो ट्रेन है यहां पहुंची है 20 मिनट डिले अपने टाइम से। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है सूरत
और अभी तक ब्रेकफास्ट वगैरह किए नहीं है, ना पेंट्री है ना साइड पेंट्री है, लेकिन बाहर के वेंडर आके बेच रहे थे, पोहा हुआ कुछ कुछ बेच रहे थे, वड़ा पाव वगैरह, लेकिन हम खाए नहीं है। अब देखते हैं कोई ढंग का चीज़ मिले, फ्रूट्स वगैरह मिले तो लेंगे, नहीं तो ये सुबह सुबह भाई ये तेल पक चीज़ वगैरह खाने का मन नहीं करता। वैसे बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पे डिबोर्ड किए हैं और कुछ लोकल पैसेंजर भी यहाँ से बोर्ड किए हैं इस ट्रेन में। देखते हैं ढोकला वगैरह अगर हो तो ले लेते हैं भाई। गुजरात में आए यहाँ का ढोकला ना खाए तो भाई का खाए, का खाए। यहाँ देखिए पैटीज वगैरह, ढोकला, समोसा, ये पकौड़ा वगैरह ये सब मिल रहा है, लेकिन अमन बोल रहा है नहीं खाना है। कोई बात नहीं, अब हम लोग रोटी चावल दाल खाने वाले आदमी हैं, सुबह सुबह ये सब चीज़ खाने का मन नहीं करता है। सबसे बेस्ट दही चूड़ा खाइए, फ्रूट्स खाइए, सबसे बेस्ट स्प्राउट्स खाइए, ये सही रहता है। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ये देखिए फ्रूट्स का स्टॉल यहाँ पे था, बनाना वगैरह मिल रहा था, हम खोज रहे थे उधर। क्या लिया अमन? यहाँ से बिस्किट लिया है, बाउंसी सनक्रिस्ट का है। और ये क्या ले लिया? मॉम्स मैजिक। ठीक। 1122 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात के वडोदरा जंक्शन पे, जहां पे अपनी ये राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:25 और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 25 मिनट डिले। वैसे वडोदरा जो है इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट है। अभी क्या ये देखें, बिस्किट वगैरह लिए हैं क्योंकि बनाना खाए थे, बिस्किट खा रहे हैं। वैसे पकौड़ा वगैरह मिला यहाँ पे, वड़ा पाव वगैरह भी मिल जाएगा, वो अभी आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन ब्रेकफास्ट में वो सब चीज़ अब मुझे नहीं खाना। पहले हम कुछ भी खा लेते थे, लेकिन अब भाई बहुत चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ देख रहे हैं, उसी हिसाब से खाना वगैरह खा रहे हैं। नहीं तो क्या है ना कि लगातार हम लोग ट्रैवल करते हैं 15-20 दिन तक अलाए बलाए खाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना जी। Ah
यहाँ से अभी हम लोग लिए हैं भाई फ्रूट सलाद, ठीक है, 20 का प्लेट है, सिर्फ सेब ही है इसमें, अनार नहीं आते पास, खाने के लिए खाने के लिए थोड़ा बेचने को। चलो भाई खाने के लिए खाना खाना तो 1222 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे, जहां पे सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 1:15 और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है 15 मिनट डिले। वैसे ये जो ट्रेन है ये जाती है राजकोट तक, और राजकोट जो है ये ट्रेन आपको पहुँचाएगी 5:50 पे, लेकिन हम लोग की जर्नी अहमदाबाद तक ही थी क्योंकि यहां से हम लोग की कनेक्टिंग ट्रेन है, तो हम दूसरी ट्रेन पकड़ के कल यहाँ से हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। इस वजह से पूरी जर्नी हम लोगों ने नहीं किया। वैसे अहमदाबाद से राजकोट की जो दूरी है वो लगभग 250 किलोमीटर की, मतलब 250 किलोमीटर है। अब मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस पंक्चुअलिटी आपने देख लिया, लगभग ट्रेन पंक्चुअल ही है। रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई भी स्लीपर कोच का ठीक है। सबसे बड़ी बात कि भाई स्लीपर में वेटिंग वाले पैसेंजर इस ट्रेन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बताइए नया नियम के हिसाब से वेटिंग टिकट वाले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार सफाई के साथ जर्नी करते रहे। प्लीज बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे। एक बात ध्यान रखिएगा, पेंट्री साइड पेंट्री नहीं है, घर से खाना कैरी कीजिएगा।